Hi, वेलकम बैक to द बासवत Bali चैनल Myself, सेल्फ डॉक्टर फैसल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन और उसका एक ऑलरेडी हमने एक वीडियो असेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को अपलोड किया हुआ है आज इस वीडियो में हम फोकस करने वाले उसके आगे का पार्ट जिसे हम कहते हैं मेल रिपोडक्टिव सिस्टीम ओके चलो लेट सी द मेल रिपोडक्टिव

दोनों का हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम फ्रॉम मेल हाफ नंबर ऑफ फीमेल दोनों मिक्स होते हैं इसलिए एम्फी मिक्सिस का यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर म्योटिक सेल डिवीजन यानी रिडक्शनल सेल डिवीजन का इन्वॉल्वमेंट किया जाता है क्योंकि यहाँ जर्मिनल सेल्स दे आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट गैमेट बनने के लिए यहाँ पर जम सेल्स का यूज किया जाता है इसलिए म्योटिक सेल डिवीजन यहाँ यानी यहाँ म्योटिक एज वेल एज माइटोटिक सेल डिवीजन दोनों होते हैं लेकिन असेक्चुअल प्रोडक्शन में सिर्फ माइटोटिक सेवरिजन होता है आपको यह याद रखना है अब जो एनिमल सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी लाइफ में दो फेजेस होते हैं ओके okay, दो फेजेस में से कौन से रहेंगे एक तो वो फेज जो सिर्फ बॉडी का फिजिकल ग्रोथ होती है और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता ओनली दे अंडरगो द फिजिकल ग्रोथ ऐसे फेज को जीवनायल फेज कहा जाता है देन द सेकेंड फेज वेयर द ग्रोथ भी होती है प्लस वहाँ पर एक्टिविटी ऑफ सेक्स ऑर्गन भी इन्वॉलमेंट होता है पर. यहाँ पर यानी सेक्स ऑर्गन यहाँ पर मैचर हो जाते हैं एंड दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्चुअली ऐसे फेज को रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज़ कहा जाएगा Sexually reproducing animals they show the pattern of breeding. Sorry, दो pattern इनके breeding के हमको देखने को मिलते हैं. One is called the seasonal breeding and second is the continuous breeding. अब आपको याद रखना है seasonal breeding मतलब ऐसे animals जो कि सिर्फ specific season में ही sexually reproduce करते breed करते उन्हें कहा seasonal breeder. Example the goat, sheep, donkey, dog etc. But एनिमल्स लाइक द ह्यूमन एंड एप दे आर अ कंटिन्यूस ब्रीडर यहां पर कंटिन्यूस एक्चुअल रिपोर्ड्यूस करने का प्रोसेस किया था तो यह बस एक इंट्रोडक्शन था बट हमारा मेन फोकस इस वीडियो में है द मेल रिपोडक्टिव सिस्टम तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टू मेन हेडिंग्स यहां पर हम दो मेन हेडिंग्स पर डिस्कस करेंगे वन इज अंटरनल जेनाइटेलिया एंड सेकेंड इज अ एक्सटर्नल जेनाइटैलिया यानी मेल रिपोर्ट सिस्टीम के जो ऑर्गन्स बाहर होते हैं उन्हें एक्सटर्नल जनाइटैलिया का और जो ऑर्गन्स बाहर से नहीं दिखते बॉडी के अंदर होते उन्हें कहा इंटरनल जेनाइटैलिया हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली द इंटरनल जेनाइटैलिया इंटरनल जेनाइटालिया में द इम्पॉर्टेंट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम टेस्टीज कहते हैं देन सेकेंड जो इसके बने हुए जो टेस्टीज में जो प्रोडक्ट बनता है उसको लेकर जाना नरिश करना उसको टारगेट तक पहुंचाने के लिए जो डक्स लगते हैं एक्सेसरी होते हैं उन्हें कहा एक्सेसरी और डक्स के साथ कुछ सिक्रीशंस वाले ग्लैंड्स की भी जरूरत होती है जिन्हें एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड कहा जाता है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे ओके okay? चलिए तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करने वाले हैं द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में द नंबर वन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज अ टेस्टिस इंटरेस्टिंग वीडियो है लास्ट तक देखिए चलिए तो टेस्टिस दे आर टू इन नंबर पेयर होते हैं इसलिए तो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया टी ई एस टी ई एस ये ई एस इंडिकेट करता है प्लूरल वर्ड अगर यहाँ पर ई इंस्टेड ऑफ ई अगर आय आता तो ये सिंगुलर वर्ड होता है सो दे आर पेयर इन नंबर दे आर मिसोडर्मल इन ओरिजिन यानी एक फीट बॉय फीटल यानी एक लड़का अगर बेबी मेल बेबी अगर बन रहा है तो उसके जो टेस्टिस बनते हैं वो उसके लेयर के सेल से बनाए जाएंगे शन अगर हम देखते हैं टेस्टिस का दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी एब्डोमिन से बाहर रखा जाता है पाउच में रखा जाता है उस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम एंड दिस आर द येलो कलर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज देन अब क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि ये जो टेस्टिस है दे आर एक्स्ट्रा एबडोमिनल वाई क्यों इनको एब्डोमिन के बाहर रखा गया इनिशियली अगर हम डेवलपमेंटल स्टेज में देखते हैं तो इन अर्ली डेवलपमेंटल फीटल लाइफ में ये एब्डोमिन में हुआ करते यानी एक मेल बेबी का जब बन रहा है तो वो टेस्टीज एबडोमिन में रखे गए लेकिन लेटर ऑन वो बाद के स्टेज में वो नीचे डाले जाते यानी एबडोमिन से निकलकर बॉडी के बाहर डिसेंड कराए जाते हैं एक पाउच में जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं और जिस रास्ते से एबडामिन से उनको बाहर लाया जाता डैट कैनल इट इज़ कॉल्ड एज अ एंगल कैनाल जिस अब ये ये जो आपके सामने व्यू आपको इमेज दिख रही है बस आपको अंडरस्टैंड कराना है कि वॉट इज़ एंगल कैनाल बस इसका यही यूज़ है सो so, यहाँ पर आप देखिए दी इनिशियली फीटल डेवलपमेंटल स्टेज में इनिशियल में दो प्रेजेंट इन द एबडामिन ये आउटसाइड द एबडामिन यहाँ से देखें एबडामिन के बाहर का पार्ट है ये यह है यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर द स्क्रोटम लेकिन ये बाद में डेवलपमेंटल स्टेज में ऊपर से डिसेंड होती है नीचे की तरफ आती है फाइनली यहां फिक्स हो जाती है तो जिस रास्ते से यह बाहर आई है उस रास्ते को एंग्यूनल कैनाल कहते हैं बस इतना इस इमेज में हमको आपको दिखाना है एंगल कैनाल ओके देन द शेप ऑफ टेस्टिस इज ओवल दे लुक्स लाइक द ओवल इन शेप देन द साइज हम देखते तो इट इज अ फोर टू फाइव सेंटीमीटर इन द लेंथ यानी लेंथ हम देखते हैं तो चार से पांच सेंटीमीटर है अगर उसके चौड़ान को हम थिकनेस सॉरी वेट को देखते हैं तो थ्री टू 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 थ्री सेंटीमीटर होती है और थिकनेस में दे आर थ्री सेंटीमीटर इन देयर थिकनेस देन द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस अभी जो हमने देखे वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे अब हम देख रहे हैं कि अंदर कट करने के बाद लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में एल सेक्शन में हाउ द टेस्टिस लुक एंड वॉट द थिंग्स आर दैट किस चीज से बनी है तो बाहर से हम देखते हैं कि एक्सटर्नली दे आर कवर्ड बाय द द थ्री लेयर्स। ट्यूनिका बाई दी वन ऑफ द एक्सटर्नल लेयर बाहर की पहली लेयर होती है जो कि uh, खास कोलेजिनस कनेक्टेड टिश्यू से बनाए गए सो दिस वन जैसे आपको यहां पर लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है दिस इजनिका अल्बीजीनिया ट्यूनिका का मीनिंग होता द वर्ड मीनिंग ऑफ द ट्यूनिका इज अ लेयर एंड एल्बीजीनिया इज नथिंग बट द वर्ड यूज फॉर द वाइट क्योंकि यहां पर वाइट कोलाजिनस कनेक्टेड टिश्यू यूज किया जा रहा है डेट्स वॉर द नेम एल्बीजीनिया इज मेंशनड हियर द सेकंड लेयर व्हिच इज अ इनकंप्लीट पेरिटोनियल कवरिंग सी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया पेरिटोनियल कवरिंग ये पेरिटोनियल कवरिंग का होना ही ये एक Uh, क्या कहेंगे इट इज़ वन ऑफ द विटनेस या ए, कि ये बात बताता है कि ये पहले बॉडी के अंदर एबडामिन में होते थे और बाद में बाहर आए क्योंकि पेरिटोनियम कवरिंग इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी कैविटी इसलिए ये जब डिसेंट होकर नीचे आते तो कुछ पेरिटोनियम उसके साथ नीचे आ जाता है इसलिए ये इनकम्प्लीट होता है दिस लेयर और विच इज अप ऑफ दिस इनकम्प्लीट पेरिटोनियल इज कॉल्ड एजनिका सी दिस पर्पल कलर जो आपको दिख रहा है इनकम्प्लीट लेना कहा जाता है आउटर पराइटल इनर विसरल और दोनों के बीच की कैविटी दिस इज द ट्यूनिका वजायनालिस नाउ अब आती है थर्ड एंड द लास्ट लेयर ट्यूनिका वस्कुलोसा अब वस्कुलोसा का मतलब ये जो वर्ड बना है दिस इज यानी ब्लड वेसल्स यहाँ पर ब्लड कनेक्शंस रखे गए ये इनर वन दोनों के बीच में इनर वन थी मेम्ब्रेनस लेयर होती है मेम्ब्रेन पतली होती है और ब्लड वेसल्स यहाँ पर पाए जाते हैं इट्स वेरी थीन जो कि यहाँ पर आपको हाईलाइट नहीं किया गया देन द ट्यूनिका अल्बीजीनिया जो अंदर की लेयर थी ट्यूनिका अल्बीजीनिया इट डिवाइड्स दस्टीज इन टू द स्मॉल कंपार्टमेंट छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है उस कंपार्टमेंट को लोब्यूल कहा जाता है सी दिस इज दिन में, देखते कि यह, यह जो में है ना, one, इसने इसको कम्पार्टमेंट में डिवाइड कर दिया दिस इज दन कंपार्टमेंट कॉल है द लोब्यूल दिस इज द सेकेंड कंपार्टमेंट कॉल ऑफ द लोब्यल दिस इज दर्ड कंपार्टमेंट कॉल ऑफ द लोबल ऐसे ऑलमोस्ट टू हंड्रेड से लेकर थ्री हंड्रेड लोबुल्स फॉर्म हो गए यहाँ पर

बहुत ज्यादा कॉइल्ड कुछ स्ट्रक्चर्स रखे गए जैसे कि किसी में एक है किसी में दो होते हैं किसी में तीन किसी में हाइएस्ट वन टू फोर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स लॉबिल में होते हैं डेट डेट स्ट्रक्चर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड एज अ सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ का जस्सी है आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि एक लॉबिल के अंदर आपको कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये लॉब्यूल और लॉब्यूल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वन टू थ्री एंड फोर दिज आर द दाइली क्वालिटी ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल आर द दिफेर टिब्यूल इच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ अ और इट इज इंटरनली लाइन बाय द क्यूब सेल अंदर की तरफ से वहां पर क्यूबॉडल सेल्स लगाए जाते हैं क्यूब शेप्ड जर्मिनल एपिथेलियल यानी क्यूब जैसे एक एपिथेलियल जो कि जर्मिनेट करने वाले जिनसे मियोटिक सेल डिजन होकर स्पोम uh, बनने वाले उनको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है सीधी सीधा टेस्टिस्टिंग लोब्योब के गर, लोगी, लोगी, लोगी के अंदर फ्रेस्टिवल से फेस्टिवल को अगर कट कर कर हम देखते हैं सो दिस इज द सेक्शन या ये सेक्शन ये सर सेमिनिफ्रेस्टिवल क्रॉस सेक्शन के बाद अगर हम उसका एक थोड़ा सा टुकड़ा अगर इतना ही देख रहे दिस वन बस तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मोस्ट सेल्स है दिस सेल, सेल, सेल होते कहा जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि ये नहीं लगाए गए बीच में कहीं तो भी पिरामिड शेप सेल्स कॉल्ड सरोटोली सेल, सेल जिन्हें सब टेंटेकुलर सेल भी कहा जाता है जिन्हें नर्स सेल भी कहा जाता है दिस सेल्स आर दिस सेल्स आर कॉल्ड सब टेंटेकुलर सेल

स्पर्म्स स्पर्मेटोसुआ यहाँ फॉर्म करने का काम किया जाता है लेकिन ये हो गया डिवाइड करके स्पर्म बन गए लेकिन जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनका काम होता है जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग स्पर्म्स है जिनका अभी पूरी तरह से वो अभी बच्चे हैं छोटे से अभी डेवलपमेंट हो रहा है तो ऐसे अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिश करने का काम करते हैं न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं वो होते हैं सर्टोली सेल्स ये वाले आपको दिखेगा कि ये व्यू में भी ये व्यू में देखो यहाँ पर ये जो कि सारे के सारे डेवलपिंग कहाँ है दे आर मूविंग टूवर्ड्स ये आर गेटिंग इन बंडल दे आर अटैच विद द सर्टोली सेल क्यों क्योंकि सर्टोली सेल का, का काम होता है नरिश कराने का ये यहाँ पर काम है बाद में हम देखते हैं कि uh, एक टिस्टीज के लॉन्जिट्यूडल सेक्शन में एक से चार सेमिनि फ्रेस्टिबल्स होते हैं लेकिन ये चारों सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में कुछ जो कनेक्टेड टिश्यू है प्लस वहाँ कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं और कुछ सेल्स भी होते हैं डेट सेल्स आर कॉल्ड एट द लेडिक सेल नेम ऑफ द आफ्टर द नेम गिवन आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड अ लोकेशन जैसा है उनका इसलिए उसका इंटरस्टिशियल सेल का कहाँ है इंटरस्टिशल सेल्स आर प्रजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस टिब्यूल ये देखिए इंटर स्टीशियल सेल जो की सेमिनिफरस्टिवल के बीच में एक्जैक्टली exactly होता कैसा है जैसे कि हम सेक्शन कट करें दिस इज सेक्शन ऑफ अ टेस्टिस के अंदर एक सेमिनिफरेस्टिवल दूसरा सेमिनिफरेस्टिवल तीसरा सेमिनिफरेस्टिवल एंड दिस इज द फोर्थ सेमिन्यव लेकिन इनके बीच में यहाँ पर कनेक्टेड टिश्यूज यहाँ पर लगाए जो इनको कनेक्ट करा कर रख ओके लेकिन प्लस यहाँ इनके बीच में इंटरस्टिशियल इनके बीच में ग्रुप ऑफ सेल पाए गए ग्रुप ऑफ सेल कौन था

हारमोन टेस्टेस्टेर अब वॉट इज द रोल ऑफ टेस्टेर टेस्टेस्टेरॉन एक ऐसा हारमोन है जो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन अ मेल मेल दिखने के लिए जो कैरेक्टर्स uh, की जरूरत होती है जैसे कि प्रेजेंस ऑफ द मोस्टैच बियर्ड एंड लो पिच वॉइस आवाज जो मेल की दिखती है सुनाई देती है ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट रीजन मसल स्ट्रेंथ ये सारे कैरेक्टर्स जो मेल के होते हैं वो कैरेक्टर को डेवलप कराने का काम ये हार्मोन कराता है सो दैट्स वाई दिस इज अ hormone विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड सेक्चुअल कैरेक्टर्स नाउ दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट इंटरनल जेनाइटलिया टेस्टिस ये मेन है प्राइमरी है अब इसके बाद के सब इसके सपोर्ट में बनाए गए वो है एक्सेसरी एक्सेसरी डक्ट है एक्सेसरी ग्लैंड सो so हम देखेंगे द नंबर वन एक्सेसरी डक्ट कॉल्ड रेटे टेस्टीज। अब कैसा होता है टेस्टिस कहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं टेस्टिस इज नथिंग बट द नेटवर्क ऑफ ऑल सेमिनिफेरस फेरस टिब्यूल जितने सेमिनीफेर टिब्यूल जैसे ना आप तो 300 हंड्रेड से लोब्यूल है एक में अगर हम देखते हैं 300 में चार एक में अगर चार है तो टोटल बारह सौ ओके कितने सी कैलकुलेशन कैसा है. अगर यहाँ पर थ्री uh, हंड्रेड है, तो और अगर हर एक लॉब्यूल में अगर चार सेमिनिफेस्टिव्यूल है तो टोटल यहां पर बारह सौ सेमिनिफेर वन थाउजेंड टू हंड्रेड ऑल दिस सेमिनिफेस्टिब्यूल दे फॉर्म द नेटवर्क ओके क्या करें दे फॉर्म द नेटवर्क एट द पोस्टेरियर सरफेस

कहते हैं बस ये होगा आगे का कनेक्शन अब हम देखेंगे तो नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट इज द वासा इफ्रेंशिया इफ्रेंश ये है वासा इफ्रेंशिया तो वासा इफ्रेंशिया क्या है कहते तो हैं रेटेड से निकले हुए और कनेक्शन जो आगे की तरफ जाएंगे सी यहाँ से आगे की तरफ जा रहे और ये होते थोड़े बड़े हो गए ये यह जो यहाँ पर बढ़ रहे ये ऑलमोस्ट बारह से लेकर बीस ट्यूब्यूल्स होते यहाँ पर ये पड़ते हैं फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो रेटेटेस्टिस से निकल रहे सी कहां से निकल रहे दे इमर्ज आउट फ्रॉम द टेस्टिस और आगे चलकर कनेक्ट करते आगे वाले को वासा okay? वासा ओके? में कनेक्ट कराया जा रहे सो so, सी यहां से रे, रे, रेटेड निकले और उसके आगे यहां से इसके आगे जब निकलता है वासा डिफरेंस होता है ओके okay? the वासा वास्फ्रेंशिया का काम होता है जस्ट टू कैरी द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडाइडम यहाँ से स्पर्म लाएगा ये लेकर जा रहा लेकर जा रहा है यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है नेक्स्ट वाला जो पार्ट हम देखने वाले जिसका नाम है यहाँ से देखो दिस, दिस वन दिस वन दिस पार्ट इज यहाँ तक ओके दिस पार्ट इज कॉल्ड एट द एपिटाइडिमिस दिस इज द एपिडाइडमिस तो वास का का काम होता है जस्ट टू कैरी यहाँ से स्पर्म लिया और लेकर इसको दिया किसको दिया एपिडाइडमिस को दिया गया सो दिस इज द वास सब नाम तो आ चुका है व्हाट इज द व्हाट विल बी द नेक्स्ट नेक्स्ट इज द एपिडाइडमिस एपिडाइडिमिस है क्या एपिडाइडमिस इज आल्सो अ कॉइल्ड ट्यूब इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब जो को जिसको हम अगर देखते हैं तो वो तीन हिस्सों में डिफरेंशिएट किया जाता तीन है तीन पार्ट्स हमको दिखते हैं एक होता ऊपर का हेड पार्ट जिसे क्यापूट एपिडाइडमिस कहा जाता है

नर्स, नर्सेल उसको नरिश करते निकलते हैं वहां से रेटेडिया रेटे से वासा एफरेंशा, वासा एफरेंशा से अब आ गए में अभी एपिड यहाँ पर मैच्योर नहीं है तो स्पोम को मैचोरेशन तक वहां पर रखने का काम एपिडाइडमिस वाला जोन काम करता है सो so, ये एक रीजन है जहां पर स्पोम को मैच्योर कराने का काम करे याद रखना देन नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट इज अ डिफरेंस एपिडाइडमिस का जब एंड होता है कॉडा एपिडायडि तो उसके आगे जो कंटिन्यू किया जाएगा ओके कंटिन्यू करता है और कंटिन्यू होने के बाद आगे जाता है और आगे जाने के बाद यहां से कॉडा कौड़ा एपिडाडमिस के बाद ये कंटिन्यू होता है एक डक्ट डक्ट में इट इज कॉल्ड एज वासा दिस इज द वासा डिफरेंस ये वासा डिफरेंस आता है और आने के बाद लेट्स सी ना ये ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद यहां तक इसके बाद एक ग्लैंड है यहां पर ग्लैंड का नाम है सेमानल वेसिकल और आगे चलकर ये दोनों जुड़ते दोनों जुड़ने के बाद आगे एक ग्लैंड बनती है जिसका नाम है इजाकुलेटरी डक यहां से लेकर यहां तक एक यह डक्ट अलग है ओके तो वासा डिफरेंस क्या करा यहां से निकलता निकल कर आता है और आने के बाद सेमानल वेसिकल से जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे इजाकुलटरी डक्ट कहते हैं जस्ट ये व्यू में आपको दिखेगा जस्ट लुक हियर ये हुआ एपिडाइडमिस यहां तक ये यह इसका टेल रीजन कॉडा कॉडा कौ से जो बाहर निकला ये टेल रीजन से निकला दिस इज अ अपिडाइडम सॉरी दिस इज द वास डिफरेंस ये एंग्यूनल कैनाल से होते हुए ऊपर गया एबडोमिन में अंदर एंटर करा एबडामिन में जाने के बाद यहाँ पर ये एबडामिन uh, में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आकर एक डक्ट सेमानल वेसिकल से आकर ये जुड़ता है सेमानल डक्ट से जुड़ता है ये दोनों जुड़ गए जुड़ने के बाद आगे जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा जो कि यूरेथ्रा में कनेक्ट होता है जिसे कहते हैं इजाकुलट्री डक्ट तो यहाँ पर इजाकुलेट्री डक्ट का फॉर्मेशन

एट द टाइम ऑफ द सेक्चुअल इंटर को जब सेम uh, रिलीज uh, किया जाता है एजॉकलेट किया जाता है यहां सेट किया जाता है इसलिए इसका नाम एजॉकलेटरी ओके नाउ द नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट जो कि अब फाइनली हमने देखी उसका नाम आ गया कि वो है आगे कंटिन्यू होती है इन टू द यूरेथ्रा सो दिस इज द लास्ट एक्सेसरी डॉल एट दूरेथ्राउंड वॉट इज़ यूरेथ्रा यूरेथ्रा नाम से आपको पता है कि यूरेथ्रा इज़ नथिंग बट द डक्ट विच कैरी द यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर आउटसाइड द बॉडी यानी यूरिन को बाहर लेकर जाने वाले उस डक्ट को यूरेथ्रा कहते हैं लेकिन मेल में ये और डबल काम करते यूरिन तो लेकर जाने का काम करती है साथ ही साथ सेमन को भी लेकर जाती है यानी यूरिन तो लेकर जाना इसका मेन काम है लेकिन अंडर द सेक्चुअल कोर्स या इंटर कोर्स सेमन जब रिलीज किया जाता है तो सेमन भी इसी से ही बाहर जाता है इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक इसीलिए ये दो काम कर रहा है इसलिए इसका नाम यूरिन एंड जेनाइटल यूरिनो जेनाइटल जाता है मेल के अंदर द दूरेथ्रा इज अराउंड ऑफ 20 सेंटीमीटर इन लेंथ 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऊपर प्रोस्टेट एंड पेनाइल एंड देन इट एक्सटेंड फिफ्टीन सेंटीमीटर थ्रू द लेंथ ऑफ पेनिस पूरे पेनिस के लेंथ में ये प्रेजेंट होता है जिसे देखेंगे जैसे ये दिस इज द यूरिनरी यु, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर के बाद से यहाँ से ये जहाँ तक प्रोस्टेट ग्लैंड है ये 2.5 होता है उसके बाद यहाँ पर मेम्बरेस यूरेथा ये टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का होता है अब यहाँ से लेकर जहाँ पेनिस स्टार्ट हो रहा है टिल द एंड ऑफ द पेनिस ये अराउंड 15 सेंटीमीटर होता है टोटल यहाँ पर ये ट्वेंटी सेंटीमीटर का लेंथ यूरेथा मेल ऑप्टिक सिस्टम में हमको एवरेज देखने को मिलता है देन यूरेथ्रा इट ओपन आउटसाइड द बॉडी थ्रू द ओपनिंग कॉल एज अथ्रल ऑरिफाइस या यूरेथ्रल मीटर्स जब बॉडी के बाहर ओपन होता क्योंकि it has to open to release, क्योंकि है क्योंकि इट हैजू ओपन टू रिलीज क्योंकि यूरिन को या सेम को जब रिलीज करना है तो दैट शुड बी द ओपनिंग तो ओपनिंग जो होती है डेट इज द ओपनिंग दिस इज द ओपनिंग ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटर्स या यूरेथ्रल ओरिफाइस कहा जाएगा ओके सो दिस इज अबाउट द एक्सेरी डक्ट इन इंटरनल जेनाइटेलिया द लास्ट इन इंटरनल जेनाइटेलिया इज नथिंग बट द अ सेक्स ग्लैंड एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड द एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में द नंबर वन इज अमायनल वेसिकल स्मैनल वेसिकल इज अ ग्लैंड विच सिक्रिट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिक्रिशन कॉल अ दाइनल फ्लूड सो स्मल वेसिकल दे आर पेयर दो जुड़ी ग्लैंड होते हैं और इनका एग्जैक्ट लोकेशन दे आर प्रेजेंट जस्ट पोस्टेरियर टू द यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर ब्लैडर बिल्कुल के ये नीचे रहेंगे जैसे देखे इसको अगर हम जूम कर, कर देखते हैं तो दिस आर अ ग्लैंड यहां से लेकर देखो ये डक्ट है यहां से लेकर यहां तक और ये सिमैनल ग्लैंड ओके सो सेमैनल ग्लैंड दे आर प्रेजेंट पोस्टेरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर के नीचे रहेंगे दो होते हैं एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड इनका काम होता है जो सीक्रेट फ्लूड कॉल सेमानल फ्लूड जो कि ऑलरेडी हमने कहा फ्लूड कैसा होता है इट इज अल्कलाइन इन नेचर ये अल्कलाइन इन नेचर क्यों कराया गया क्योंकि आ, सेमन fluid, सेमन में परसेंट इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेमन जितना बन रहा है सेमन में आपको याद रखना है सेमानल फ्लूड होता है सेमन इसका प्लस आ, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूड होता है और प्लस वहां पर पोम्प होते हैं ये तीनों को मिलाकर बना सेमन लेकिन 60 ये वहां पर प्रेजेंट होता है अब इसे अल्कलाइन क्यू बनाया गया क्योंकि देखा जाता है कि फीमेल जनाइटल ट्रैक वजाना के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रांग होता है स्पर्म को एसिडिक एनवायरमेंट नहीं जमता जैसे स्पर्म एसिडिक इन्वायरमेंट पर रिलीज किए जाते हैं तो वहां पर वो कई मार दिए जाते लेकिन उनको बचाने के लिए उस एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रल करने के लिए इस फ्लूड को अल्कलाइन बनाया गया है दैट्स वाई इट इज अल्कलाइन नेचर प्लस अल्कलाइन होने के साथ साथ इस सीमानल फ्लूड के अंदर कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है जैसे कि द फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट देन फाइब्रीनोजिन प्रेजेंट एंड देन प्रोस्टाग्लैंड आर प्रेजेंट ये तीन चीज़ें सेमानल फ्लूड में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट है जैसे कि द नंबर वन फ्रुक्टोज वाई द फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन अमानल फ्लूड बिकॉज स्पोम हैज टू ट्रेवल अ लॉन्ग जर्नी उनको मूवमेंट करना है कहाँ से मूवमेंट करना है दे हैव टू ट्रेवल इजाकुलटे ट से यूरेथ्रा यूरेथ्रा से जब वो इजाकुलेट कर कर फीमेल जेनाटल ट्रैक्ट में रिलीज किए जाते हैं फीमेल जेनाटल ट्रैक से सर्विक्स से क्रॉस होते हुए यूटरस में जाना है और यूटरस से फेलोपियन ट्यूब तक जाना है ये जाने के लिए यहां पर मूवमेंट करने के लिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वह एनर्जी ये फ्रुक्टोज देता है देन द फाइब्रोजिन द सेकेंड कंपोनेंट विच इज इन द सेमल फ्लूड इज द फाइब्रोजिन जो कि सेमन को गाढ़ा करने का काम करता है देखो एक फ्लूड है लिक्विड लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो वहां पर वो क्विक uh, प्रोपल्जन uh, जो वजाइना के अंदर होना चाहिए वो नहीं होगा इसलिए उसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए कोकुलेट करने का काम ये फाइबर करता है देन द द नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिन इट प्लेज अगेन अ इंपॉर्टेंट रोल पोस्टरग्लैंड एक ऐसा सिक्रेशन जो सेमानल वेसिकल्स में बनाया तो जाता है लेकिन इसका इफेक्ट स्पम को मूवमेंट करने में सपोर्ट करता है स्पम को कहाँ मूव करना है टूवर्ड्स द एग ये टारगेट होता है हर स्पम को एक ही टारगेट से प्रिपेयर कराया जाए कि फ़र्टिलाइज़ करना एक से लेकिन फ़र्टिलाइज़ करने के लिए उसको वहाँ तक जाना है ट्रैवल करना है तो एक तो फ्रुक्टो से उसको एनर्जी दी गई दूसरा सपोर्ट करने के लिए फीमेल ट्रैक के अंदर जो मसल्स होते हैं जिनको ये स्टूमुलेट करता है टू अंडर गो द मूवमेंट रिवर्स पर्सटॉल मूवमेंट ताकि वजैया के अंदर और यूटेरस के अंदर सपोर्ट मिलता है और स्पम ऊपर की तरफ जाते हैं एक तो खुद की टेल की लैशिंग मूवमेंट से वो घूमते ऊपर जाता है और मसल्स के दबने की वजह से वजायन और यूटेस के वो ऊपर पहुंच पाता है अप टू द एग ये खास प्रोस्टर का यहाँ पर काम किया जा रहा okay? gland, prostate gland. Prostate gland, uh, number, है ओके दिस इज द फर्स्ट एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड ग्लैंडल वेसिकल द सेकेंड सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड दे आर वन इन नंबर सिंगल होते हैं काफी बड़ी साइज के होते हैं जहाँ पर बीस से छोटे छोटे कंपार्टमेंट हमको उसमें देखने को मिलते हैं एग्जैक्ट लोकेशन अंडर नीथ द यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल, बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है और यूरेथ्रा को सराउंड करता है सॉरी यूरेथ्रा के ऊपर होता है जी दिशी द यूरनरी ब्लैडर और ये जा रहा है यूरेथ्रा बिल्कुल यूरेथ्रा के ऊपर अब ये डायग्राम में हमको ऐसा लग रहा है कि यूरेथ्रा बाहर है लेकिन ये यूरेथ्रा अंदर से होता है ये ऊपर से पूरा उसको कवर करा होता है ओके okay? सो so, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर ये हमको जूम करने है। देखने के के बाद ये ये देखने में अंदर ओपन होते द प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीजेस अ वाइटिश मिल्की सिक्रीशन सेमन का जो कलर होता है व्हाइटिश एंड मिल्की अपियरेंस वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में दूसरा इट इज स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है और इसको यूरेथ्रा में रिलेज किया जाता है स्लाइटली एसिडिक क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर इट इज़ हैविंग द प्रेजेंस ऑफ अ सिट्रिक एसिड इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड इसके से स्लाइटली एसिडिक होता है बाद में इसके अंदर एक एंजाइम एसिड फॉस्फेटेज है प्रेजेंट और दूसरे एंजाइम्स इसमें होते हैं तो एसिड फॉस्फेटेज क्यों रखा गया हमने देखे सेमानल फ्लूड अल्कलाइन नेचर है यह स्लाइटली एसिडिक है और यहाँ पर एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला एक एंजाइम रखा गया क्योंकि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जहाँ पर नेचुरल एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत एसिडिक होता है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए ये एसिड फॉस्फिटेज बनाया गया ताकि स्पर्म को नुकसान ना पहुँचे इसलिए प्लस हम देखते हैं कि समा, सेमन में जो 60% परसेंट कॉन्स्टिट्यूशन सेमानल फ्लूड का था वहीं पर इसका 30% परसेंट ये होता अब बच्चे में टेन परसेंट होते हैं ओके okay? सिक्सटी परसेंट सेमानल फ्लूड

बल्ब यूरे ग्लैंड दे आर स्मॉल साइज काफी छोटे दे आर लोकेटेड ऑन आइधर साइड ऑफ यूरेथ्रा के दोनों साइड में ये प्रेजेंट वहां पर रहेंगे ओके सी एग्जैक्ट लोकेशन ये है यहाँ पर, uh, पर हम दिखेंगे ये पार्ट पर परेजेंट होते हैं

क्योंकि एक म्यूकस होता है स्टिकी होता है स्लीपरी होता है लुब्रिकेशन यानी ये एक ऐसा सिक्रीशन करता है दैट इज रिलेटेड प्री इजैकुलेशन ऑफ द सेवन ताकि जस्ट टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द जेनाइटल ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल जेनेटल ऑर्गन ड्यूरिंग द सेक्चुअल इंटरकोर्स देन ये हुआ हमारा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन ओके हमने इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में टेस्टीज देखे देन वी हैव द एक्सेसरी डक्स जिसमें रेटेड टेस्टीज

Penis. यहां पर एक कंसेप्ट है सेमन जिसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे ऑर्गन okay? uh, होता है पेनिस इज अलेंड्रिकल इन एपेरेंस एंड मस्कुल इन फॉर्मेशन अंदर मसल प्रेजेंट होते हैं मसल्स uh, के तीन बंडल्स वहां पर हमको देखने को मिलेंगे इन साइड द पेनिसके थ्री बंडल्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट जो कि इरेक्टाइल टिश्यूज कहा जाता है इरेक्ट दे हेल्प इन एक्टिंग द टेनिस अंडर द सेक्सुअल स्टिमुलेशन द नंबर वन बंडल दे आर पेयर इन नंबर दे आर लोकेटेड पोस्टेरियो लेटरल यानी एक तो पोस्टेरियर लेटरल साइड में होते हैं जिसका नाम है कार्पोरा कैवरनोसा अब ये कारपोरा कैवरनोसा दिस आर द दॉपोरा कैवरनोसा दो होते हैं दो बंडल होते हैं और ये क्या है दे आर द इरेक्टाइल टिश्यू दिस इज द वन एंड दिस इज द सेकेंड और लोकेशन का है पोजिशन इनके अंदर ये देखिए अब सेक्शन में हम देखेंगे दिस इज द वन कॉर्पोरा कैवरनोसा दिस इज द दर्पोरा कॉर्पोरा कैवरनोसा नाउ तीसरा वाला जो तीन मंडल से ऊपर के दो हो गए नीचे एक है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहा जाता है मिडल होता है दिस इज द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जिसके अंदर से यूरेथ्रा पास करता है ओके द लोकेशन वेयर फ्रॉम वेयर द यूरेथ्रा पास ये है देखिए देखो यहाँ से यूरेथ्रा पास हो रहा है अंदर से और उसके सराउंडिंग में जो इरेक्टाइल टिश्यू जिसे कॉर्पस कहा जाता है ओके द एंड ऑफ द पेनिस इज सोलन उसका जो एंड पॉइंट होता है वो सोलन होता है टिप वन उसे ग्लैंस कहा जाता है दिस इज द एंड पॉइंट सोलन पॉइंट कॉल द ग्लैंस विच इज हैविंग द स्किन फोल्ड जिसके पास स्किन फोल्ड होता है जिसे फोर स्किन कहा जाता है या जिसे

फीटल डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि टेस्टिस जो एब्डोमिन में होते हैं एब्डोमिन से टेस्टिस नीचे की तरफ जब लाए जाते डिसेंड किए जाते हैं तो उसको गाइड कौन करता है कि टेस्टिस को स्क्रोटम में ही आना है नीचे की तरफ ही आना है तो आने के लिए गाइड करने वाले वहाँ पर एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है शॉर्ट फाइबर और मसल से बना हुआ एक बैंड होता है जिसका नाम गुबरनाकुलम तो गुबरनाकुलम क्या कर रहा है इट गाइड्स द टेस्टीज स्पेशली ड्यूरिंग द डे फीटल डेवलपमेंट अब जैसे कि यहाँ पर देखो ये सेवन वीक का डेवलपमेंटल uh, स्टेज है तो यहाँ पर टेस्टिस कहाँ है एबडामिन में ये इसको कनेक्टेड यहाँ पर एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड जिसे गुबरनाकुलम कहते हैं जैसा जैसा डेवलपमेंटल स्टेज उसका बढ़ते जाता है एज डेवलपमेंटल एज बढ़ते जाता है तो वहाँ पर जैसे कि 13 वीक्स में ये एंगुलर कैनाल से क्रॉस होना के पास नीचे डिसेंड हो रहा है और डिसेंड करने के उसको रास्ता कौन दिखा रहा है कहां पर आना है ये गुबर्नाकुलम डिसाइड उसको गाइड कर रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है तो ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ट्वेंटी तो फोर्थ वीक में ये एंगल क्लॉस एंगल कैनाल को क्रॉस करते हुए इट कम्स इन टू द दा डाउनवर्ड एंड फाइनली इट रीचेस इन टू द वन पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं और इसको वहाँ पर छोटे उस बैंड से गुबरना कुलम से उसको चिपका कर नीचे रखा जाता सो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट uh, रोल कर रहा है गुबरनाकुलम देन स्क्रोटम को डिवाइड किया जाता है बाय असेप्टम राइट एंड लेफ्ट इसमें डिवाइड किया जाता है बाय स्पेशल स्मूथ मसल फाइबर्स जिसे डार्टोस ट्यूनिका डार्टोस कहते हैं उसको डिवाइड uh, कहते जस्ट सी दिस इज द असेप्टम ये देख रहे यहाँ पर स्क्रोटम जो राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटम में डिवाइड करा है क्योंकि दो टेस्टिस है तो दो uh, यहाँ पर स्क्रोटल चेम्बर बनाए गए ओके okay, so, yeah, आपको क्लियर होगा अगर हम इस स्क्रोटम को सेक्शन व्यू में देखते हैं तो स्क्रोटम का आउटर लेयर जो है दैट इज द मेड ऑफ द स्किन उसके बाद की सेकेंड लेयर है डार्टो सेवन अब देखो ये डार्टोस कहाँ तक है ये बिल्कुल बीच से है तो बीच का जो सेप्टम यहां बना वो डार्टो से बना उसके बाद और दूसरे भी है और क्रीमास्टर भी लेकिन कहां तक है अंदर नहीं है सेंटर में नहीं है इसलिए जो सेप्टिस स्मूथ मसल्स होते देन स्क्रोटम में टेस्टिस को लटका कर रखा गया सस्पेंड कर, कर रखा गया जो है एक कॉर्ड से कॉर्ड का नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड दिस इज द स्पर्मेटिक

Then the, कुछ बच्चों में यानी अगर एक मेल बेबी जो डेवलप हो रहा है अनफॉर्चुनेटली उसका टेस्टिस एपडामिन से नीचे डिसेंड नहीं हो पाता दिस इज कॉल्ड ऑफ द फेलियर टू डिसेंड द टेस्टीज इन टू स्क्रोटम तब दैट कंडीशन इज कॉल द क्रिप्ट ऑर क्रिप्ट कहते हिडन को ऑरकिर इज कहते हिडन इन टू द एबडोमिन और यह कंडीशन की वजह से वो मेल या वो बच्चा पैदा हो जाता है और वो बड़ा होने के बाद उसमें स्पर्म नहीं बन पाते और वो स्टराइल हो जाता है यानी बांझ हो जाता है सो देखो ये टेस्टिस डिसेंड हो नहीं पाई बट यहाँ पर, पर टेस्टिस डिसेंड हो गए ऐसी कंडीशन अगर किसी में डिसेंड नहीं होती है देन डेट कंडीशन इज कॉल्ड द क्रिप्टो अब यहाँ दो मसल्स होते हैं जो स्कोरटम के वॉल में प्रेजेंट है जो क्रीमास्टर मसल्स एंड डार्टोस मसल याद रखना यहाँ पर दो मसल्स है वन द क्रीमास्टर एंड दिस आर द डार्टो ये दोनों भी स्मूथ स्पेशलाइज मसल्स है जिसका काम होता है क्या काम है टेस्टिस को बॉडी के पास लाना है और या बॉडी से दूर रखना है अब स्टार्टिंग में हमने कहा कि वाय द टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एबडामिनल द रीजन इज दैट टेस्टीज और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर सेमिनिफरस टिब्यूल के जर्मिनल एप्टेलियम डिवाइड करते हैं म्योटिकली एंड फॉर्म द फोर गैमेट्स फोर स्पर्म्स लेकिन इनको डिवाइड कर कर स्पोम बनने के इन परमाटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए यहाँ पर बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए तो वो टेम्परेचर कम ज़्यादा रखने के लिए इसको बॉडी से बाहर रखा लेकिन वो पास लेकर आते बॉडी के पास लाते अगर गर्मा का टेम्परेचर है अगर गर्म है हॉट है तो दैट मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी से उसको दूर लेकर जाएंगे यहाँ पर करेक्ट ओके सो ये दोनों क्रीमास्टर मसल कहते हैं क्योंकि टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के लिए बॉडी के टेम्परेचर से टू से थ्री डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए इसलिए उसको बॉडी से बाहर रखा गया इनसाइड द स्क्रोटन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल जेनाइटल एंड दिस इज द एक्सटर्नल जेनाइटल अब हम देखते हैं कि टेस्टीज में जो इंपॉर्टेंट काम किया गया है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स गैमेट्स मेल गैमेट और प्लस यहां पर सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड ये दोनों का मिलाकर एक एक फ्लूड फॉर्म किया जा रहा है जिसे हम कहते हैं सेमन सो व्हाट इज द सेमन सेवन इज अथिंग बट वन ऑफ द विस्कस अल्काइन मिल्कि फ्लूड एक गाड़ा फ्लूड होता है और वो अल्कालाइन नेचर क्योंकि हमने बार बार बताया क्योंकि वजायनल इन्वायरमेंट में एसिडिक नेचर होता है उसको न्यूट्रल करने के लिए होता है और मिल्क की अपेरेंस क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूड वहाँ पर मिल्क की अपेयरेंस वहाँ पर दे रहा है देन द पी एच इज अबाउट सेवन पॉइंट टू टू सेवन पॉइंट सेवन क्योंकि अल्कालाइन है इसलिए इसका पी एच वहाँ पर अबाउट सेवन यहाँ पर रखा गया एक इजाकुलेशन जब किया जाता अंडर द सेक्सुअल ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एक इजाकुलेशन जब किया जाएगा तो सेमन जो रिलीज किया जाता है वो होता है 2.5 पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट जीरो इतना किया जाता है लेकिन इतने सेमन के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे देर आर अबाउट ऑफ फोर हंड्रेड मिलियन स्पम्प को रिलीज किया जाता है क्यों इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पम रिलीज किए जा रहे हैं क्योंकि फीमेल जेनाइटल वजाइनल ट्रैक में इतना नेसिडिक इन्वामेंट होता है कि कई मिलियंस स्पम वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं ड्यू टू तो द एसिडिक नेचर इसलिए इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बना दी गई अगर किसी मेल में अगर यहाँ पर ये यह स्पम का प्रोडक्शन कम हो रहा है लेस देन एक इजाकुलेशन में अगर ये फोर मिलियंस नहीं है बहुत कम है तब उस कंडीशन को ऑलिगो परमिया कंडीशन कहते हैं और चांसेस ऑफ चाइल्ड बेरिंग कैपेसिटी थोड़ी वहाँ कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो स्पर्म उस नेचर एसिडिक नेचर में ख़त्म हो जाते हैं फर्टिलाइज करने के लिए ऊपर पहुँच नहीं पाते इसलिए ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ पर सेमन में होते हैं वी नो कि सेमन एक ऐसा है जिसके अंदर अलग अलग सिक्रीशंस भी है जैसे कि एपेडाडेमिस से कुछ नरिशिंग सि फ्लूड्स वहाँ पर डाला गया बाद में एक्सेसरी ग्लैंड में से सेमानल वेसिकल का फ्रुक्टोज है वहाँ पर सेमानल वेसिकल का प्रोस्टाग्लैंडीन है वहाँ पर प्लस वहाँ पर एसिडिटी ने, नेचुरल एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम आयंस एंड कार्बोनेट बाई कार्बोनेट्स पर प्रेजेंट होते हैं ये सारी चीज़ें सेमन के अंदर वहाँ पर डाला गया सो ऑल दिस टुगेदरली दैट फॉर्म द फ्लूड विस्कस अल्कलाइन मिल्की फ्लुड कॉल एट द सेमन सो दिस इज ऑल अबाउट द सेमन सो इस वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंटरनल जेनेटल या ऑर्गन हमने देखे एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन देखे सो so, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गिव द कमेंट्स ऑन वीडियो लाइक गिव द लाइक्स ऑन माई वीडियो एंड डोंट फॉर टू शेयर द लिंक टू All your friends, thank you for giving the time and watching the video.